दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेकअप पर, क्योंकि जो भी आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद ना आपको बहुत दर्द से गुजरना होता है, लेकिन बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि उस दर्द को प्रोसेस कैसे करना है। और इस वीडियो को बनाने का ख्याल ना मुझे अपने एक क्लाइंट के केस से आया, जो मेरे पास एक मसला लेकर आया और वो मसला मैं आपसे डिस्कस करूँगी। बहुत मुमकिन है कि आप भी उस मसले से गुजर रहे हों, आपका ब्रेकअप हुआ हो और उस ब्रेकअप की तरफ आपका भी वो एटीट्यूड हो जो मेरे उस क्लाइंट का था, और यही वजह है कि वो कोलैप्स कर गया था इमोशनली, तभी तो मेरे पास आया और उसका मैं केस आपसे डिस्कस करूंगी। तो बहुत मुमकिन है कि आप रिलेट कर पाएँ और आप अपने जो अपना जो आपका दर्द है, जो पेन है ब्रेकअप का, आप उसको प्रोसेस कर पाएँ। दोस्तों मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ा मसला जो है ना वो यही है कि आप किसी के साथ भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं और वो बंदा कुछ अरसे बाद चला जाता है, आपका उसके साथ ब्रेकअप हो जाता है और फिर आपको एक बहुत ही लंबा अरसा दरकार होता है उस पेन को प्रोसेस करने के लिए। यही वजह है कि मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ कि किसी भी इंसान से बात करने से पहले, उसके साथ घूमने फिरने से पहले 1000 बार सोच लें कि क्या आप कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं और क्या आप एक इनसिक्योर इंसान तो नहीं हैं। क्योंकि जो सिक्योर इंसान होता है ना, जब वो ब्रेकअप से गुजरता है तो उसको पता होता है उसने उसे कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन जो इनसिक्योर लोग होते हैं, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल पर मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो जो लोग इनसिक्योर होता है ना, उनको ना ही रिलेशनशिप को ठीक से चलाने आता है और जब उनका ब्रेकअप हो जाए ना तो ना ही उन्हें उस ब्रेकअप के पेन को प्रोसेस करने आता है। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं उसे नहीं भूल पा रहा, मैं उसे नहीं भूल पा रही, मैं कैसे निकलूं इस दर्द से। तो आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए है। मेरे पास जो केस आया वो बहुत ही घिसा पिटा आम सा केस था जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, और वो यही था कि जो मेरे क्लाइंट थे उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के साथ उनकी शादी नहीं हो सकी, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई। अब जब उनकी उस लड़की की शादी हुई और उस लड़के को ब्रेकअप करना पड़ा, लड़की को छोड़ना पड़ा, तो जैसे ही उसने ये फैसला कर लिया कि अब वो दोबारा उस लड़की से ना बात करेगा ना उससे मिलेगा, तो उसने वो जो ब्रेकअप था, वो जो इतना अरसा एक रिलेशनशिप था उस लड़की के साथ, वो जो एक इमोशनल कनेक्शन थी, साथ इतना वक्त गुजारा था, उसको प्रोसेस करने की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैंने तो मजनून ही बनना भाई, मुझे पार्टी करनी है, मुझे इन्जॉय करना है, बस जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, जाने दो इसको। जब उस लड़की की शादी हो गई उसके बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ 1-2 महीना खूब पार्टी की, इन्जॉय किया, अल्कोहल कंज्यूम किया और जो कुछ भी वो कर सकते थे ना अपने आप को खुश करने के लिए, यानी कि अपने आप को प्लेजर देने के लिए उन्होंने किया। तकरीबन कुछ महीने बाद ना जब पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी ओवर हो गई और सब लोग अपने अपने घर को चले गए, सब मसरूफ़ हो गए अपनी लाइफ में, तो वो जो मेरे क्लाइंट थे वो कोलैप्स कर गए, वो इंतहाई डीमोटिवेटेड हो गए, उनसे बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, उनसे पढ़ा नहीं जा रहा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, वो ना काम कर पा रहे हैं और बहुत ही शदीद डिप्रेशन में चले गए। यही वजह थी कि वो मेरे पास आए कि उनके साथ क्या हुआ है। जब भी आप किसी भी ब्रेकअप से गुजरते हैं ना, दुख से दर्द से गुजरते हैं, एक इंसान जो कभी आपके साथ था और उसके साथ अपने इमोशंस आप शेयर करते थे, अब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा, वो चला गया, तो यहाँ पर ग्रीफ है, यहाँ पर ग्रीफ है, रंज है, दुख है, सैडनेस है उसके चले जाने की, जिसको आपने ना प्लेजर के थ्रू, डिस्ट्रैक्शन के ज़रिए, आपने उसको दबाना नहीं है, अवॉइड नहीं करना, उसको नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि आपने उस दर्द के साथ बैठना है, आपने एक्सेप्ट करना है और जो भी कुछ महीना 2 महीना अपने आप को आपने वक्त देना है, अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन करना है, आहिस्ता कर लेना है। आपने जितना आप अपने आप को टाइम देंगे, रेस्ट करेंगे, जितना स्लो डाउन करेंगे अपनी ज़िंदगी को, और जो भी आपका ग्रीफ है, लॉस है, जो रंज है, आप उसे प्रोसेस करेंगे ना, तो 2-3 महीने बाद आपका ब्रेन मूव ऑन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ क्या करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दोस्तों के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए, घूमने फिरने के ज़रिए, किसी भी चीज़ से, या फिर फटाफट किसी और रिलेशनशिप में चले गए, जैसे ही रिलेशनशिप ख़त्म हुआ जल्दी से अपने लिए कोई और ढूंढ लिया ताकि जल्दी से डोपामीन मिले, मज़ा आए और वो सब कुछ शुरू हो जाए। लेकिन जो आपकी पुरानी वाली फीलिंग्स हैं वो तो वही पर है ना, वो तो प्रोसेस नहीं हुई, वो जो इंसान आपके साथ था कुछ तो अटैचमेंट आपकी उसके साथ होगी ना, और ऊपर से आप एक इनसिक्योर इंसान हैं, सिक्योर भी नहीं है। मेरे जो क्लाइंट थे वो एक इनसिक्योर अटैचमेंट वाले इंसान थे। तो ऐसे में जब आप अपने इमोशंस को वक्त नहीं देंगे प्रोसेस होने के लिए और जल्दी से किसी और रिलेशनशिप में जंप कर लेंगे,
तो चंद महीनों बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, चंद महीनों बाद आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत डाउन हो जाएंगे, आपको फटीग हो सकता है, आपको एनजाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी शक्ल में वो इमोशंस आपके मैनिफेस्ट हो सकते हैं क्योंकि आपने उन पर गौर नहीं किया। तो मेरे वो जो क्लाइंट थे उनको जो मैंने सोल्यूशन दिया और डेफिनेटली जो टॉक थेरेपी हुई हमारी मेरी उनके साथ हुई, तो उसमें मैंने उनसे यही कहा कि देखिए आप ना जो अभी वक्त है आपके पास, जो आपको डिप्रेशन है, जो भी आपका उस लड़की के साथ रिलेशनशिप था, ठीक है, वो जो आपकी यादें हैं, वो जो मेमोरीज हैं, उसको दोबारा विजिट करें, उसे फील करें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि हाँ आप उससे बहुत मोहब्बत करते थे, आप इमोशनली बहुत अटैच थे। उसको यूँ अवॉइड कर देना कि जाती है तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत चिल लूँ। इंसान एक जानवर पाल ले तो उससे इतनी उनसियत हो जाती है, तो दूसरा इंसान जो आपके साथ, जिसके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, उसको यूँ एकदम से आप नहीं भूल सकते। तो लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट आपके साथ हो कि जब आप दुखी हैं, आपके साथ गलत हुआ, धोखा हुआ, या आपका जो पार्टनर है आप दोनों साथ नहीं चल सकते, कुछ मजबूरियां हैं, दोनों को रास्ते अलग करने हैं, तो अपने आप को कुछ वक्त दें, रिफ्लेक्ट करें, बैठें, अपने इमोशंस को प्रोसेस करें, थेरेपिस्ट की मदद लें, टॉक थेरेपी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कुछ भी आपके अंदर है, जो जज्बात हैं, जो उस लड़की से, उस लड़के से रिलेटेड हैं, वो प्रोसेस हो सकें। जब वो प्रोसेस हो जाएंगे, आपकी हीलिंग होगी। ब्रेकअप, टूट जाना, जख्मी हो जाना ना, तो जोड़ना भी तो है ना, फिर हीलिंग भी तो करनी है ना। तो जब हीलिंग होगी आपकी, कुछ शफायाबी होगी इमोशंस की, तो उसके बाद कुछ अरसे बाद जब आप दोबारा किसी रिलेशनशिप में एंटर होंगे ना, तो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, आप बहुत सेल्फ अवेयर होंगे, आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ पता होगा, कोई पुराना इमोशनल बोझ भी आपके ऊपर नहीं है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी लिया है, अपने आप को टाइम दिया दुख को प्रोसेस करने के लिए। दुखी होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो जनाब जो थे मेरे क्लाइंट, वो बहुत थोड़ा सा अना में आ गए थे कि मैं क्यों दुखी हूँ, जाती है तो जाए। नहीं, आप दुखी हो, अगर आप दुखी हैं तो हैं, एक्सेप्ट करें अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स के साथ तो झूठ मत बोले ना कि हाँ मैं दुखी हूँ, मुझे दर्द है, मैं पेन में हूँ, क्योंकि मैंने उसको प्यार किया, मुझे वो अच्छी लगती थी या अच्छा लगता था, मैंने उसे वक्त दिया और अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना है और मुझे कुछ अरसा हील होने के लिए रिलैक्स होना है, स्लो डाउन होना है, अपनी रूटीन को बिल्कुल स्लो कर देना है। कोई आपको फास्ट पेस पर चलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ब्रेकअप के बाद बहुत फास्ट पेस पर चलते हैं, पार्टी करते हैं, किसी दूसरे रिलेशनशिप में फटाफट एंटर हो जाते हैं, तो फिर बाद में कुछ अरसे बाद ना वो कोलैप्स कर जाते हैं। डिप्रेशन, फटीक, एनजाइटी, बहुत सी चीज़ें ना उन्हें घेर लेती हैं, इस किस्म की बहुत सी मेंटल इलनेसेस, जहनी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। जब आपकी टांग टूट जाए या बुखार हो जाए, ठीक है, या फिर सर फट जाए, तो क्या आप अगले दिन भागना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो पार्टी करनी है? आप खुद को टाइम देते हैं, अपनी बॉडी को हील होने के लिए टाइम देते हैं ना। आप कहते हैं नहीं यार, मुझे आराम की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जब आपका दिल टूट जाए, आपका दिमाग टूटी हुई टांग और टूटे हुए दिल में फ़र्क नहीं कर सकता, ब्रेन में सर्किटरी एक ही है, ठीक है, तो आपके ब्रेन के लिए दिल टूटना ऐसे ही है जैसे किसी ने आपकी टांग तोड़ दी हो। तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है। अपनी बहुत ही फास्ट रूटीन को थोड़ा सा स्लो डाउन करें, अपने आसपास वालों से हेल्प मांगें, सपोर्ट मांगें, दोस्तों के साथ बैठें, अपना दुख शेयर करें, सैड हो, सैड हैं तो सैड हो, फेक झूठी मुस्कुराहट शक्ल पर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये फेक झूठी मुस्कुराहट आज तो शक्ल पर ला रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत बुरा हाल होगा। और ये फीलिंग्स पर मैं मज़ीद डीपली एक्सप्लेन करूँगी कि आप अगर अपनी फीलिंग्स दबाते हैं, छुपाते हैं ना, तो वो छुपती नहीं है। आपकी बॉडी बकायदा वो फीलिंग्स दूसरों को बता रही होती है, आपकी बॉडी से वो सारी चीज़ें लोग फील कर रहे होते हैं। आप चेहरे पर तो मुस्कुराहट ले आते हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप जख्मी हो, तो आपको क्या लगता है कि लोग फील नहीं करेंगे कि आप जख्मी हो? सबको सब पता चल रहा होता है, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा होता सिवाय आपके, आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग नहीं बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो इस पर मज़ीद गहराई में इंशाल्लाह बात होगी, लेकिन फ़िलहाल अगर आप ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी दर्द से गुजरे हैं, तो अपने आप को वक्त दें, आराम करें, स्लो डाउन हो, इमोशंस को प्रोसेस करें, जर्नलिंग करें, टॉक थेरेपी लें, बात करें इसके बारे में, ताकि आपका जो बोझ है वो हल्का हो और आपका ब्रेन मूव ऑन हो जाए, आपका दिमाग पुरानी यादें छोड़कर नई जिंदगी, नए रिलेशनशिप में कदम रखे और खुशी से, फुली अवेयर होकर
कदम रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।